हेलो गाइस, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है तो इसमें सरसों का साग बनाना तो बनता है, और वो भी बथुए के साथ। सर्दियों में आप इसे खा सकते हैं अपनी मनपसंद ब्रेड के साथ, और इसके ऊपर देसी घी और बटर पड़ जाए तो बहुत ही यम और टेस्टी स्वाद आता है। अधिकतर इसे मक्की की रोटी के साथ खाया जाता है। वो पंजाबियों की कहावत है ना, मक्की की रोटी सरसों का साग। लो जी, होगी शुरुआत। सरसों ये लिया है मैंने 500 ग्राम। और साथ में ही ले लिए है पालक 750 ग्राम। सरसों को पहचानना बहुत ही आसान है। उसकी जो नसें होती हैं वो आपको उसके पत्तों पे बहुत ही अच्छे से दिख जाएंगी। देख लीजिए आप इसे, इनको मैंने काट लिया है और ये पालक के पत्ते बहुत ही नरम होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बना देते हैं ये सरसों के साग को, बहुत ही मुलायम कर देते हैं, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। बथुआ मैंने लिया है 250 ग्राम, और इसके आप पत्तों को देखिए, ये बहुत ही नरम होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट। इन बथुए के पत्तों को आप पहचाना मुश्किल नहीं होगा। तो मैं इन तीन पत्तों को अच्छे से मिला लूँगी, पालक, सरसों और बथुए। और कितनी कितनी क्वांटिटी इसमें मैं मिला रही हूँ वो भी लिखा है मैंने यहाँ, 750 ग्राम, 500 ग्राम और 250 ग्राम, यानी हम 1.5 किलो ये सरसों का साग बना रहे हैं यहाँ पर। इन पत्तों के ऊपर काफ़ी मिट्टी होती है तो इसे अच्छी तरह से साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम 3 से 4 बार इन्हें पानी के नीचे धोना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। धोने के बाद अब इसे जालीदार छन्नी में डाल दीजिए। सरसों का साग बनाने के लिए मैं ये सब अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर भी डाल रही हूँ। अब इन सब को मैं कुकर में डाल रही हूँ और ये एक साथ नहीं आ पाएगा सारा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को स्लो पे रखिए और ऐड ऑन करते जाइए। 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे रखिए और 10 मिनट के बाद इन्हें चेक कर लीजिए। ये देखिए किस तरह से। मिक्सी में अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ये आप ग्राइंड तभी करिए जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसका पेस्ट नहीं बनाना आपको, इसको कोर्सली ग्राइंड करना है आपको, दरदरा जैसे कहते हैं। देख लीजिए, अब आ जाती है इसमें गर्मा गर्म तड़का लगाने की बारी। तड़का कैसे लगाएंगे ये भी देख लीजिए। सरसों के साग का तड़का तो आप देसी घी में बनाइए या बटर में बनाइए, बहुत ही स्वाद लगेगा। यहाँ पर मैंने लिया है 1 करछी भरकर कुकिंग ऑयल, और उसमें डाल दिए हैं 1 चम्मच हींग, साथ में ही डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच।
और साथ में देगी मिर्च आधा चम्मच। इसी तड़के में अब डाल दीजिए साग, सरसों का साग, अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए तड़का। मैंने यहाँ पर डाला है आधा ग्लास ल्यूक वार्म वाटर, यानी आधा ग्लास कोसा पानी। सरसों का साग जब तक नरम ना बने मज़ा नहीं आता, इसलिए इसको गैस पर लो फ्लेम पर चलाते रहिए थोड़ी देर। इसमें मैंने डाला है देसी घी का तड़का भी। और साथ ही मैंने डाली है दो सूखी लाल मिर्च भी। करारा बनाने के लिए रेड चिल्ली पाउडर भी, और साथ में डाला है एक चम्मच आटे का। आप मक्की का आटा ज़रूर डालना, उससे बहुत टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने व्हीट फ्लोर डाला है यहाँ पर। इस तड़के को मिला दीजिए आप साग में। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तड़के को फाइनल टच देने के लिए। अब ये यम्मी करारा साग हो गया है रेडी। इसे गरम 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 पराठे के साथ खाइए या फिर मक्की की रोटी के साथ खाइए, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है ये साग। ऐसी यम्मी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाना और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।